हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा आपके पास डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखा था, किसका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। किसका देखा था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का देखा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पे आपके पास डाई सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे वहां पे? डाई सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। और किसमें कर रहे थे? नेफ्थालीन में हम कर रहे थे। किसमें डिस्कस कर रहे थे? नेफ्थालीन में, मतलब ऑरियंटेशन देख रहे थे। अब हम नेक्स्ट टाइम वही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पे है? अगर फर्स्ट पोजीशन पे है, अगर वो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो क्या आपके पास इसमें रिजल्ट्स रहेंगे? ओरिएंटेशन क्या रहेगी आपके पास अटैकिंग जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है उसकी? आपको पता है कि अगर आपके पास पहले ही अगर आपके पास यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, खींचेगा, बाहर निकालेगा। किससे? नेफ्थालीन से। तो आपको पता है जिस रिंग पे वो पहुंच पहले ही प्रेजेंट होगा उस रिंग पे वो बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग इन नेचर होगा, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। लेकिन जो दूसरी रिंग है उसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले क्या है कुछ अमाउंट में रह सकती है उसमें, क्योंकि वहां पे जो आपको पता है कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो विद द डिस्टेंस क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो उसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समवट रह सकती है। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह सकती है तो उसका मतलब वहां पे अटैक हो सकता है। तो होता भी यही है कि क्या जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो कौन सी रिंग पे अटैक करता है? सेकेंड रिंग पे अटैक करता है, जहां पे आपके पास फर्स्ट रिंग पे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो होगा, लेकिन जो सेकेंड रिंग है उस पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब चलिए देखते हैं क्या कि अगर आपके पास ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो आपके पास क्या होगा। अगर आपके पास इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन, तो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो वो कौन सी पोजीशन पे मोस्टली अटैक करना प्रेफर करता है? फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन में। क्यों क्या करता है? फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन पे अटैक करना प्रेफर करता है। चलिए मैंने आपको देखिए यहाँ पे अटैक एट फिफ्थ पोजीशन बता दिया। देखिए यहाँ पे पूरी आपके पास स्ट्रक्चर्स लिख दी। जैसे आपके पास देखिए अटैक एट फिफ्थ पोजीशन में यहाँ पे हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो जो है आपके पास क्या है जिसमें बेंजीन आपके पास कंप्लीट है। अगर आपके पास नंबर ऑफ बेंजीन रिंग अटैक जब आपके पास ये कार्य किस पे कर रहा है? फिफ्थ पोजीशन पे कर रहा है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ बेंजीन रिंग यहाँ पे इंटैक्ट आ रही है, ज्यादा आ रही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, तो हम बोलेंगे कि अटैक किस पे होने वाला है? फिफ्थ पोजीशन पे। अगर आपके पास नंबर ऑफ बेंजीन रिंग आपके पास इंटैक्ट नहीं आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि अटैक फिफ्थ पोजीशन पे नहीं होगा। तो होता क्या है, जैसे अटैक फिफ्थ पोजीशन पे करता है तो आपके पास जो बेंजीन रिंग है जो इंटैक्ट रहती है, ठीक है, वो आपके पास फिफ्थ पोजीशन के अटैक के थ्रू ज्यादा आती है। तो ये मैं आपको काम देने वाला हूं। आप लोग क्या करेंगे इसकी अलग अलग पोजीशंस पे अटैक करके यहाँ पे क्या करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके फाइंड आउट करेंगे कि कितनी आपके पास यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे इंटैक्ट आ रही हैं और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स में इंटैक्ट आ रही है। पर मैंने आपको बता दिया कि फिफ्थ पोजिशन पे अगर अटैक करेगा तो आपके पास नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है ज्यादा आएंगे। यही बात मैं एट्थ में भी आपके पास करता हूँ। अटैक जैसे एट्थ पोजिशन पे भी होता है तो भी आपके पास जो नंबर ऑफ बेंजीन रिंग है जो इंटैक्ट आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है ज्यादा आएंगी जब आपके पास अटैक इस पे होगा एट एट्थ पोजीशन। तो आप लोगों ने इतना सा याद रखना है कि अगर आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो अटैक कौन सी होगा, फिफ्थ या एट्थ पोजीशन पे अटैक होता है, क्योंकि अब आपके पास नंबर ऑफ बेंजीन रिंग जो है इंटैक्ट ज्यादा आती है अगर अटैक इस तरीके से होता है। सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट पोजीशन टू तो भी वही बात आती है कि क्या कि ये आपके पास प्रेफरेबली अटैक कौन सी पोजीशन पे करता है, फिफ्थ और एट्थ पोजीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बेंजीन रिंग्स जो हैं जब आपके पास फिफ्थ और एट्थ पोजीशन पे अटैक होता है तो नंबर ऑफ बेंजीन रिंग जो है इंटैक्ट ज्यादा आती है इसमें। तो इसलिए आपके पास जो है आपके पास यहाँ पे भी अटैक जो है कौन सी पोजीशन पे होता है, फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन पे। अब आपके पास मैंने यहाँ पे वैसे स्ट्रक्चरली बताया तो है लेकिन आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स खुद बनाएंगे उससे आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं किसका, जो हमने देखा कौन सा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप आपके पास कौन सी पोजीशन पे होगा, फर्स्ट पोजीशन। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे है तो देखिए आपके पास मैंने क्या ले लिया, वन नाइट्रो नेफ्थालीन ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके हाथ,
HNO3 के साथ, किसके साथ करवा दी, HNO3 के साथ, और साथ में क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, 1,5-डाइनाइट्रोनेफ्थालीन प्लस क्या बन जाता है यहाँ पे, 1,8-डाइनाइट्रोनेफ्थालीन, दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाते हैं। अब आपके पास जो रिएक्शन हो रही है वो ये होती है 273 केल्विन पे, किस पे होती है, 273 केल्विन पे। देखिए अब आपके पास यहाँ पे क्या बना, 1,5 प्रोडक्ट बना और दूसरा क्या बना, 1,8 प्रोडक्ट। आपको मतलब अब आपके पास मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हुई है कौन सी पोजीशन पे हुई है, फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन पे। तो आपको याद रखना है कि कौन सी पोजीशन पे होती है, फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन पे। दूसरा अब आपके पास यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप ले लिया मैंने, क्या ले लिया यहाँ पे, सल्फोनिक एसिड, दैट इज क्या, बीटा सल्फोनिक एसिड ले लिया। मतलब तो बीटा पोजीशन पे SO3H ग्रुप आ गया। तो आपके पास अगर मैं क्या करता हूँ, फिर से इसकी सल्फोनेशन करवाता हूँ, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में और 333 केल्विन पे। तो अब आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया, देखो नेफ्थालीन 2,8 डाइसल्फोनिक एसिड बन गया, नेफ्थालीन 2,8 डाइसल्फोनिक एसिड प्लस क्या बन गया, नेफ्थालीन 2,5 डाइसल्फोनिक एसिड, क्या बन गया, नेफ्थालीन 2,5 डाइसल्फोनिक एसिड। तो इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है कि आपके पास कौन कौन सी पोजीशन पे अब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जाने वाला है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्या सम ऑफ एडिशन रिएक्शंस ऑफ नेफ्थालीन, कुछ एक और देख लेते हैं, कुछ एडिशन रिएक्शंस देख लेते हैं किसकी, नेफ्थालीन की। आपको पता है जो बेंजीन है वो आपके पास क्या होता है, एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता है क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। लेकिन आपके पास नेफ्थालीन जो है वो आपके पास एडिशन रिएक्शन शो कर देता है। लेकिन जो आपके पास नेफ्थालीन है उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, क्या कि जब हम इसकी एडिशन रिएक्शंस करवाते हैं तो शुरू में तो आपके पास जो फर्स्ट रिंग है उसमें तो आपके पास एडिशन रिएक्शन इजीली होती है, लेकिन जो सेकंड रिंग है उसमें आपके पास एडिशन रिएक्शंस हार्श कंडीशंस पे होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास यहाँ पे अगर मुझे क्या करनी है, एडिशन रिएक्शन करवानी है, तो फर्स्ट रिंग में तो आपके पास इजिली होंगी लेकिन सेकेंड रिंग पे इजिली नहीं होंगी। इसका रीजन हम इजिली असाइन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके जो रेजोनेंस एनर्जी है नेफ्थालीन की वो कितनी होती है, 255 किलो जूल्स पर मोल होती है। इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू क्या, बेंजीन, जिसकी कितनी होती है, 151 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसकी क्या करता हूँ, एडिशन रिएक्शन करवा देता हूँ, तो फर्स्ट रिंग पे जैसे ही एडिशन रिएक्शन होती है तो दूसरा रिंग जो है उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी कहां तक पहुंच जाती है, 151 किलो जूल्स पर मोल तक पहुंच जाती है। इसका मतलब अगर उसकी एनर्जी जो है 151 किलो जूल्स पर मोल तक पहुंचेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव हो गया। अब आपके पास अगर उसको आपने उसमें क्या करवानी है, एडिशन रिएक्शंस, तो आप उसमें एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं करवा पाएंगे। तो चलिए अब कुछ यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन रिएक्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या है आपके पास, अगर देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे नेफ्थालीन ले लिया, और जब मैं इसकी रिडक्शन करता हूँ तो किसके प्रेजेंस में करवा रहा हूँ, सोडियम के प्रेजेंस में करवा रहा हूँ। किसके प्रेजेंस में करवा रहा हूँ, सोडियम के प्रेजेंस में करवा रहा हूँ, और आपके पास किसके, आइसोएमाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में करवा रहा हूँ। यहाँ पे आइसोएमाइल अल्कोहल भी मैंने देखिए ये बता दिया कि क्या होता है आपके पास आइसोएमाइल अल्कोहल, ठीक है, तो आइसोएमाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में करवा रहा हूँ, और किस पे, 405 केल्विन पे इस रिएक्शन को करवा रहा हूँ। तो जब आपके पास इसी रिएक्शन को 405 केल्विन पे करवाता हूँ तो आपके पास क्या बन जाता है, इसका 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोनेफ्थालीन, दैट इज टेट्रालीन क्या बन जाता है, यहाँ पे टेट्रालीन बन जाता है। मतलब फोर पोजीशंस आपके पास क्या हो जाती है, हाइड्रोजिनेट हो जाती है, क्या होती है, हाइड्रोजिनेट, मतलब आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, मतलब जो आपके पास दो डबल बॉन्ड्स थे उसमें क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएंगे। यही रिएक्शन आप किसके पास प्रेजेंस में भी कर सकते हो, इथाइल अल्कोहल, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके पास एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि आपने याद रखना कि आइसोएमाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है और इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे कि रिएक्शन में आपके पास अगर मान लीजिए एरो के ऊपर लिख देंगे वहां पे क्या आइसोएमाइल अल्कोहल, तो आपको देख बताना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपके पास मैंने इथाइल अल्कोहल लिख दिया मान लीजिए एरो के ऊपर, तो देखना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन जो होती है आपके पास 353 केल्विन पे होती है, इसमें होती है 353 केल्विन, और अगर आप इसमें आपके पास दूसरे तरीके से भी करवा सकते हैं, दैट इज क्या, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में करवा सकते हैं, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में एट 196 केल्विन, इस पे करवा सकते हैं 196 केल्विन पे, और अल्कोहल अल्कोहलिक मीडियम में इसको करवाते हैं। तो आपके पास जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है यहाँ पे, डायलिन, क्या बन जाता है यहाँ पे, डायलिन। तो आपके पास देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजिनेट हो गया लेकिन दूसरा बच गया, तो मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजिनेट हो जाता है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से रह जाता है। तो ये आपके पास क्या होगी, रिडक्शन होगी, क्या होगी यहाँ पे, रिडक्शन। सेकेंड अगर मैं क्या कर लू, अब आपके पास यहाँ पे दूसरा आपके पास एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मुझे कंप्लीट यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन करवानी है, मान लीजिए कंप्लीट रिडक्शन करनी है, दोनों रिंग्स में करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ,
तो बड़ा सिंपल है, क्या हम क्या ले लेंगे, नेफ्थलीन ले लेंगे, साथ में क्या ले लिया हाइड्रोजन और प्लेटिनम और क्या किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में ले लिया, ठीक है। और किस टेम्परेचर पे लिया, वो 23 केल्विन पे लिया, ठीक है। तो आपके पास जो है क्या बन जाएगा, टेट्रालीन, क्या बन जाएगा यहाँ पे, टेट्रालीन। और यही फिर से अब हम रिएक्शन करवाते हैं, अब हमें टेम्परेचर हाई ले जाना पड़ता है इसके लिए, इसी रिएक्शन करवाने के लिए। तो मैं फिर से अब टेम्परेचर क्या ले जाता हूँ, 473 केल्विन पे ले जाता हूँ, क्या ले जाता हूँ 473 पे ले जाता हूँ, केल्विन पे ले जाता हूँ। तो यही प्रोडक्ट आपके पास क्या बनाता है, डेकालीन, क्या बनाता है, डेकालीन। मतलब सारी की सारी पोजिशन पे आपके पास क्या हो जाती है, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है, आपके सारे की सारी रिंग की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्या करते हैं अब, नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो सिंपल है बहुत, क्या मैंने क्या ले लिया, नेफ्थलीन ले ली, क्या ली यहाँ पे, नेफ्थलीन ले ली और ड्राई क्लोरीन की प्रेजेंस में ली, क्या लिया मैंने इसको, ड्राई क्लोरीन। अब इसमें मॉइस्चर बहुत कम है, क्या है इसमें, मॉइस्चर कम है बहुत, ठीक है। तो अब आपके पास ड्राई क्लोरीन की प्रेजेंस में मैंने जब इसको लिया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1,4 डाइक्लोरो नेफ्थलीन, क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1,4 डाइक्लोरो नेफ्थलीन। अगर मैं इसी को अगर आगे अगर फिर से हीट करता हूं, मान लीजिए 313 केल्विन पे इसको आपके पास इसको हीट करता हूं, तो आपके पास यहाँ पे HCl का रिमूवल हो जाता है और आपके पास अल्फा क्लोरो नेफ्थलीन बन जाती है, क्या बन जाती है यहाँ पे, अल्फा क्लोरो नेफ्थलीन, जो कि देखिए यहाँ पे मैंने बना दी, ठीक है। अब आपके पास ऐसा नहीं समझना कि 1,4 डाइक्लोरो नेफ्थलीन ही बनता है, साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, क्या 1,2,3,4 टेट्राक्लोरोनेफ्थालीन भी बनता है, क्या बनता है, 1,2,3,4 टेट्राक्लोरोनेफ्थालीन भी साथ में यहाँ पे बनता है, किसके प्रेजेंस में, ड्राई क्लोरीन के प्रेजेंस में। अगर आपके पास यहाँ ये भी बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको अगर हीट करूं किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है, यहाँ देखिए अल्फा पोजिशन है ये, दूसरी आपके पास बीटा है, फिर से आपके पास कौन सी है, बीटा और अल्फा, तो अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्लोरीन रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या बन जाता है, 1,3 डाइक्लोरो नेफ्थालीन, क्या बन जाता है यहाँ पे, 1,3 डाइक्लोरो नेफ्थालीन और 2 मोल्स ऑफ HCl क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं, क्या कर जाते हैं यहाँ पे, निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थालीन, क्या देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थालीन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थालीन की मैं बात करूं, तो आपके पास क्या कर सकता हूं मैं, जो नेफ्थालीन है उसकी ऑक्सीडेशन करवा सकता हूँ अलग अलग तरीके से। मान लीजिए आपके पास B2O5 तो किसका, सॉरी मान लीजिए आपके पास किसके, B2O5 के प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, या आपके पास डायरेक्टली दूसरी आपके पास किसके प्रेजेंस में कर सकते हैं, H2SO4 या HgSO4 के प्रेजेंस में भी आपके पास इसकी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहली आपके पास क्या है, B2O5 के साथ ऑक्सीडेशन करी और जो टेम्परेचर लिया मैंने क्या लिया, 673 to 773 केल्विन। और ये जो ऑक्सीडेशन होती है किसके प्रेजेंस में होती है, एयर के प्रेजेंस में, तो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया यहाँ पे साथ में। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, 2 मोल्स ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, क्या बन जाता है यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड प्लस क्या निकल जाता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकल जाता है, वाटर, क्या बन जाता है यहाँ पे साथ में, वाटर। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, अगर मैं क्या ले लूं, H2SO4 और साथ में क्या ले लेता हूँ, HgSO4, तो भी आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, थैलिक एनहाइड्राइड। और ये टेम्परेचर यहाँ पे लगता है कितना, 473 केल्विन, कितना लगता है यहाँ पे, 473 केल्विन, मतलब आपके पास डायरेक्टली क्या बन जाता है, थैलिक एनहाइड्राइड। अगर मैं इसी रिएक्शन को अगर ऑक्सीडेशन करवा दूं किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में। अब KMnO4 तो आपको पता है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इजिली ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, नेफ्थलीन को। और आपके पास देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नेफ्थलीन लिख दिया और KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, H2SO4, क्योंकि H2SO4 के प्रेजेंस में आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे, थैलिक एसिड, क्या बन जाता है यहाँ पे, थैलिक एसिड। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास क्या, ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, किसके प्रेजेंस में करते हैं ऑक्सीडेशन, किसकी करते हैं हम, नेफ्थलीन की करेंगे हम, किसके प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड क्या होता है एक्चुअल में, CrO3, अगर मतलब क्रोमियम ऑक्साइड ले लूं मैं, और किसके प्रेजेंस में ले लूं मैं यहाँ पे, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ले लूं, किसके प्रेजेंस में ले लूं, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, और किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे ले लूं। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, 1,4 नेफ्थाक्विनोन, क्या बन जाता है, 1,4 नेफ्थाक्विनोन, मतलब क्विनोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनती है, क्या बनती है इसमें, क्विनोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्योंकि 1/4 पोजीशन पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्विनोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन विद ओजोन, क्या करेंगे अब नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन विद ओजोन।
अगर मुझे ऑक्सीडेशन करनी है ओजोन के साथ तो कैसे करूंगा? सिंपल, क्या ले ली मैंने, देखिए नेफ्थलीन ले ली और साथ में जो ओजोन ले लिया हमारे मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ पे ओजोन, और ये जो रिएक्शन होती है टेम्परेचर लेसर करना पड़ता है इसके लिए, 196 केल्विन पे ले जानी पड़ती है रिएक्शन में, आपके पास कोल्ड कंडीशन पे आपके पास टेम्परेचर होती है, कोल्ड कंडीशन पे ये रिएक्शन होती है। साथ में क्या ले लेता हूँ मैं, डाइक्लोरोमीथेन, क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, डाइक्लोरोमीथेन, मतलब इस सॉल्वेंट में इस रिएक्शन को मैं करवाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, नेफ्थालीन डाइओजोनाइड, क्या बन जाता है यहाँ पे, नेफ्थालीन डाइओजोनाइड, मतलब डबल बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाती है, किसकी हो जाती है, डबल बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाती है यहाँ पे, जो आपके पास नेफ्थालीन की दो डबल बॉन्ड है उनको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अगर आपके पास ये ब्रेक कर देता है तो आपके पास आगे आगे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इसको और आगे, मतलब क्या, इस जो ओजोनाइड बना है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो कैसे करूंगा, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में, तो जिंक और वाटर के प्रेजेंस में अगर मैंने कर दिया तो इसका मतलब अब आपके पास क्या लगना है, CHO ग्रुप जो आपने पहले ही पढ़ा है, तो क्या बन गया आपके, थैल्डिहाइड, क्या बन गया, थैल्डिहाइड, ठीक है। अब एक पिक्रेट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बन सकता है, पिक्रेट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब ये होता है कि अगर मैं नेप्थालीन और पिक्रिक एसिड को ले लू ना, तो आपके पास एक चार्ज टाइप ऑफ, चार्ज ट्रांसफर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें आपके पास क्या कि एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है इसमें, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो मतलब मान लीजिए मैंने नेप्थालीन ले ली प्लस क्या ले ली, पिक्रिक एसिड ले लिया, पिक्रिक एसिड ले लिया, तो पिक्रिक एसिड जब मैंने लिया तो और इसमें इसको किसमें करवाया रिएक्शन, बेंजीन के प्रेजेंस में, तो आपके पास यहाँ पे जो कलर आता है क्या आता है, येलो कलर कंपाउंड बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, एक येलो कलर कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्थालीन पिक्रेट, क्या बोलते हैं उसको हम, नेफ्थालीन पिक्रेट। अगर हम नेफ्थालीन पिक्रेट उसको बोलते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, मतलब की इलेक्ट्रॉन जो है डोनेशन हो रही है किसकी, आपके पास जैसे कि अब नेफ्थालीन के पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आपके पास पिक्रिक एसिड के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब आपके पास क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी है इनके बीच में, तो डेफिशिएंसी है तो अब आपके पास क्या कर सकता है, नेफ्थालीन दे सकता है इलेक्ट्रॉन किसको, पिक्रिक एसिड को, तो इसलिए चार्ज ट्रांसफर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें, जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पास इसमें क्या आ रहा है, कलर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें कलर, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होंगी तो आपके पास क्या आएंगे, उसमें कलर आएंगे, कलर आएगा। होप सो आपको ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा देखेंगे एंथ्रासीन के बारे में, क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, एंथ्रासीन के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।